तो साल भर पुरानी ये बात है, कोरोना से पहले के हालात है, जब गुड बाय कहते वक्त गले मिलना चलता था और इन्फेक्शन सिर्फ लोगों की मिसोजिनिस बातों से फैलता था। तब हर रोज रोजी रोटी के लिए कुछ काम कर लेते थे, जहां भी जाते थे इससे बेटर ही परफॉर्म कर लेते थे। तो ऐसे ही एक कॉलेज इवेंट के बाद किसी से हो गई मुलाकात। तब मेरा एक कवि दोस्त भी था मेरे साथ, तो उस अप्सरा ने कहा कि वो उस कॉलेज की एलुमिनाई है और यहां बस मुझसे ही मिलने आई है। ये सुनते ही मेरे दिल के सारे द्वार खुल गए। उन्होंने जो अपना नाम बताया था हम उसी वक्त भूल गए। एक सेकेंड, हाँ भूल गए। हाँ, उम्र में वो उससे छोटी ही लग रही थी, मेरी कही हर बात से उसके चेहरे पर हंसी खिल रही थी। फिर कुछ देर बाद हाथ मिलाकर दिल चुराकर वो चली गई। अब मैं प्रोफेशनल तो हूं नहीं, इसलिए नाम नंबर पूछने वाली बात दिमाग से फिसल गई। जैसे ही वो नजरों से दूर गई, लगा जैसे मैंने अपने दिल के साथ कर दिया धोखा है। इतने में मेरा कवि मित्र भौंका है कि वैसा ही मिलेगा फूल जैसा बीज बोता है, देख अमन जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिल थोड़ा नरम हुआ, मगर ये लड़का सख्त बहुत है। वैसे तो ये हास्य कविता है, पर इसमें दर्द बहुत है। तो दिल को मनाने के लिए मैंने अपनी दोस्त की बात को मान लिया और ठीक 3 दिन बाद उस लड़की को इंस्टाग्राम पर पहचान लिया। अब बार बार उस दिन की ली हुई तस्वीरों में वो मुझे टैग कर रही थी। मुझे तो लग रहा था हमारी बात आगे बढ़ रही थी। तो उनके भेजे पुराने सारे डीएम्स का मैंने खुददारी से रिप्लाई कर दिया और फिर उनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कवि दोस्त को इत्तला कर दिया कि देख भाई, इस बार 100% बात बन सकती है। अब उसी का रिप्लाई था कि आप जब कहेंगे हम आकर आपसे मिल सकती हैं। तो ऐसे ही कुछ दिनों तक चलती रही हमारी बात, और ये देखकर मेरा कवि दोस्त भी हो गया हैरान। उसने कहा, भाईजान सुनो, गो विद द फ्लो, डोंट रश इन, टेक इट स्लो। तो मैंने भी पूछे उस मोहतरमा से सारे सरल सवाल कि कौन सा रंग पसंद है आपको, बारिश में कैसा होता है आपका हाल, कहां से आती हो, कहां जाती हो, कब सोती हो, कब जगती हो। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलती रही हमारी बात, और फिर एक दिन उन्होंने पूछा कि कल संडे है, कर ले हम मुलाकात। इन दैट वेरी मोमेंट आई फेल्ट शी इज द वन टू हुम आई बिलोंग। शी कंटिन्यूड, आई होप यू वोंट माइंड इफ आई गेट समवन अलोंग। Actually, my husband is also a big fan of you. He would love to come and personally see you. मुझे उस कवि दोस्त की बात को मान लेना चाहिए था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में दर्द बहुत होता है। पहली मुलाकात तक सीमित रहना चाहिए था, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू।